हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं। नाउ ये काफ़ी इजी चैप्टर होता है, ठीक है, लेकिन जब इसमें से एग्जाम में या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। तो बचपन से आपको ये चैप्टर रटाया जाता है। नाउ क्या कहते हैं, आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी, नाउ इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। बचपन से हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते होंगे तो ABCD के बाद हमें सबसे पहला लेसन नाउन ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बचपन से रटाया जाता है, तो रटना इसमें रटना हम मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें भी कुछ भी नहीं है, बस समझना है। समझ गए, रटने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे होता है पार्ट ऑफ, सबसे जरूरी होता है पार्ट ऑफ स्पीच। और आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो नाउन की हमेशा डेफिनेशन आज तक रही है, जो आपने आपको रटाया गया है बहुत ज्यादा स्कूल में, पहले उसको लिख लेते हैं, सबको याद होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। ये तो आप सभी को ये याद होगी, ये तो बचपन से रटाया जा रहा है, ठीक है। ये हमने ये सारी चीजें हमें बचपन से याद कराई जा रही है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। अब जैसे पर्सन में क्या आ गया, पर्सन कोई भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले सकते हैं हम लोग, जैसे महात्मा गांधी हम लोग ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी, हम लोग ले सकते हैं अक्षय कुमार, ठीक है। तो ये पर्सन में हम लोग स्पेसिफिक नाम ले सकते हैं। अब अगर हम लोग प्लेस की बात करें, प्लेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हैदराबाद का चार मीनार प्लेस, पटना जंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, पटना जंक्शन भी हो सकता है। अब हम लोग अगर एनिमल की बात करें, तो एनिमल में भी बहुत सारे हैं, जैसे हो सकते हैं जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट। और अगर हम लोग बात करें थिंग की, तो थिंग में नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जिससे मैं लिख रहा हूं मार्कर, जिसपे मैं लिख रहा हूं बोर्ड, जिसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, पेन आप लोग जिसपे नोट डाउन कर रहे हैं, नोटबुक, ठीक है। तो देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। पर्सन में कोई भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार जैसे नाम हो गए, ये सारे स्पेसिफिक नेम। प्लेस में भी हो सकता है चार मीनार, पटना जंक्शन। एनिमल में हो सकते हैं लायन, टाइगर, एलिफेंट। थिंग में हो सकता है मार्कर, बोर्ड, पेन, नोटबुक, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब देखोगे दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों नाउन है, तो इसको एक शॉर्ट में देखते हैं। थिंग में तो ये सारे हो गया। अब नाउन की एकदम हम लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, नाउन को पहचानने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे नाउन को पहचानने का क्या है, द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज का भी, किसी चीज, कोई भी चीज है उसका नाम नाउन हो जाता है। जैसे कुछ भी बोलो, मार्कर नाउन हो गया,
मार्कर बोर्ड नाउन हो गया, ये उसके बाद पेन नाउन हो गया, नोटबुक नाउन हो गया, उसके बाद कुछ भी और भी चीज़ें जो भी हमारे आसपास है, ग्लास नाउन हो गया, ये कपड़ा नाउन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें नाउन है, जो भी थिंग जिनके नाम है वो नाउन कहलाते हैं। अभी तो ये मैंने हमने मोटे मोटे में समझ लिया, अब इसके बहुत सारे टाइप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसकी इतनी टाइप होती है, इसकी इतनी टाइप होते हैं, इसके इतने एग्जाम्पल होते हैं, उसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो टाइप्स होती है एकदम बेकार होती हैं, जो टाइप्स होती है ना बस हमारी एक चीज़ में हेल्प करता है, हमारे लाखों करोड़ों बहुत ज़्यादा मतलब 10-20 का मतलब मैं बता नहीं सकता इतना ज़्यादा नाउन है, वो जो नाउन है इतना सारा नाउन है, कोई उधर भाग रहा 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 है, सबको एक जगह करने के लिए नाउन को कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। हमारा हमने कैटेगरी बनाई है, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जिसमें हमने थोड़े नाम इधर है, थोड़े नाम इस कैटेगरी में, थोड़े नाम इस कैटेगरी में, थोड़े नाम इस कैटेगरी में, हमने पूरा इनको अभी मैंने मोटा मोटा कर दिया, अभी इनको कंप्रेस करके एक जगह मैंने आपको इसके टाइप्स बताता हूँ। टाइप्स में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, मतलब वो कैटेगराइज करने के लिए होते हैं। तो आइए टाइप्स देखते हैं, चले गाइस टाइप ऑफ नाउन देखते हैं। टाइप ऑफ नाउन में है पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कोई भी कॉमन चीज का नेम, जैसे इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन प्लेस और आइटम और अ थिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल लेटर वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट बिगिन ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश पढ़ दिया समझ नहीं आया, हिंदी में समझते हैं। इट इज कॉमन नेम, ये कोई भी कॉमन नेम होता है, मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसा नहीं होता है कि एक शब्द हो, मतलब देखो कि एक शब्द हो और एक ही शब्द से सारे बहुत सारी चीजों का पता चले, जैसे एक शब्द है बॉय, उसमें बॉय में जितने भी वर्ड हैं जैसे राम श्याम आशुतोष राहुल अजय रक्षक संयम जो भी नाम है वो सारे उसमें आ गए, ठीक है। तो बॉय में बॉय का तो बहुत सारा नाम है, मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा, हम लोग इसको जातिवाचक, जातिवाचक किसको नहीं बोलते, मतलब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे एक वर्ड है कॉमन, वो कॉमन है सबके लिए, हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया गर्ल, गर्ल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हो गया विद्या लक्ष्मी, उसके बाद हो गया अमीषा रुचि रिच, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं गर्ल्स के भी। उसके बाद जैसे हो गया कार, कार भी बहुत सारे हो सकते हैं, मर्सिडीज बेंज ऑडी फॉर्च्यूनर लंबोर्गिनी, बहुत सारे कार के नाम हो सकते हैं। कार प्लैनेट जैसे जुपिटर उरेनस नेपट्यून अर्थ, ठीक है। यूट्यूब चैनल जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टडी में आपको बोल देता हूँ। उसमें टीचर, टीचर भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे पढ़ाते हैं, वो उनको भी हम लोग नाम लिख सकते हैं टीचर में। ये मतलब कॉमन नाम होता है, दिया जाता है पर्सन प्लेस आइटम या किसी थिंग को। थिंग मतलब थिंग जैसे हो गया कार, कार थिंग हो गया, मतलब एक कार से पूरे कार का बोध हो रहा है, मतलब ये एक कार है, एक कार हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हमें कॉमन नाउन का सेंटेंस बनाएंगे, हमें बनाना है, तो हम बोलेंगे ही बाउट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। और अगर वही हम प्रॉपर नाउन का बोलेंगे, प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक एक चीज होगी, तो जब ये दोनों कर लेंगे तब मैं वो सेंटेंस बताऊंगा आपको। तो कॉमन नाउन तो हमें समझ आ गया, कॉमन नाउन क्या होता है कि मतलब एक नाम हो और उस नाम से जितने भी उस मतलब उस कैटेगरी में जो भी आते हैं सारे होगा। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, बॉय में बहुत सारे नाम आ जाएंगे, संयम रक्षक आशुतोष राहुल, उसके बाद रोहित, बहुत सारे नाम आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन में मतलब एक बॉय से जो भी उसकी कैटेगरी में बॉय में सारे सारे चीजों की बोध हो गई। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन तो समझ गए थे कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है कि एक शब्द से उस चीज एक शब्द है, मान लो कि ये छोटा सा शब्द है बॉय, अब इस बॉय शब्द से बहुत सारे बॉय का बोध हो गया, जैसे हो गया संयम, संयम हो गया, रक्षक हो गया, असीम हो गया, आशुतोष हो गया, राहुल हो गया, रोहित हो गया, ठीक है, जैसे प्रियांशु हो गया, सचिन हो गया, ठीक है। तो एक बॉय से इतने सारे नाम का बोध हो रहा है, अभी पूरे नाम मैं नहीं लिख पा,
और मेरे बोर्ड खत्म हो जाएगा, बॉयज के नाम नहीं खत्म होंगे, ठीक है। बहुत सारे नाम है, जैसे एक बॉयज, ये इतना छोटा सा वर्ड है, ये इतना इसके एक क्या कहते हैं कॉमन नाम क्या होता है, एक छोटे से वर्ड के अंदर इतने सारे वर्ड छिपे हैं, जैसे संयम, रक्षक, आशी, आशुतोष, राहुल, रोहित, प्रियांशु, सचिन, ठीक है, इतने सारे नाम है एक बॉयज छोटे से शब्द में। और प्रॉपर नाम क्या होता है, एक वो छोटा सा शब्द है वो स्पेसिफिक उसी चीज का नाम बता दिया, मतलब जैसे इसमें हो रहा था ये संयम, रक्षक, आशी, ये सब किसमें आएंगे, ये सारे जो है, ठीक है। तो कॉमन नाम समझ आ गया कि एक नाम से बहुत सारे आदमी का, बहुत सारे नामों का बोध हो जाए ये, लेकिन ये प्रॉपर नाउन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो इधर साफ साफ लिखा हुआ है, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब एकदम विपरीत होता है। जैसे इसमें एक नाम से इतने सारे का बोध हो रहा था, लेकिन प्रॉपर नाउन में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रॉपर नाउन में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में अगर हम लोग एक वर्ड लेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन में मैंने किसी कार कंपनी का नाम लिया, जैसे फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर एक कार से वो बहुत सारी चीजों का बोध नहीं हुआ, फॉर्च्यूनर एक कार है, फॉर्च्यूनर एक कार ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर नाम था, मैंने वो स्पेसिफिक चीज ही का नाम लिया जो एकदम खास चीज थी, जिसपे मैंने एकदम कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने उस खास चीज का नाम बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, जो प्रॉपर नाउन होता है बिल्कुल विपरीत होता है किसका होता है, कॉमन नाउन का। अ प्रॉपर नाउन रिफर टू स्पेसिफिक नेम, जैसे मैंने बता दिया स्पेसिफिक नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जैसा मैंने आपको बता दिया। इधर एक सेकंड ध्यान रखना, ये कॉमन ही है, ये है, ठीक है, डॉट है, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको पहले बता दिया, प्रॉपर नाउन रिफर टू स्पेसिफिक नेम, जो प्रॉपर नाउन होते हैं किसको रिफर करते हैं, एकदम स्पेसिफिक नेम। जैसे मैंने कोई प्लैनेट का नाम ले दिया, जैसे जुपिटर, ना छोड़, उरेनस नाम ले दिया, उरेनस क्या है हमारा उरेनस है प्रॉपर नाम, ठीक है, क्योंकि पता चल रहा है वो किसी प्रॉपर चीज का नाम बताया गया है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। जैसे हमारा बॉय में नाम ले दिया संयम, सिटी में ले दिया इंदौर, सिटी, ठीक है, सिटी कौन सा हो गया, इंदौर। गन में हो गया हमने AK-47 ले लिया, बुक में हो गया RS अग्रवाल, कार में हमने LA-Ferrari ले लिया, प्लेनेट में जुपिटर ले लिया, यूट्यूब चैनल में आपका स्टडी मास्टर ले लिया, टीचर में राहुल सर ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी नाम ले लिया। तो ये सारे थे कॉमन और प्रॉपर नाम, आपको उम्मीद है कॉमन और प्रॉपर नाम काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बाकी के जो और बचे हुए हैं उनको चलिए करते हैं प्रैक्टिस टाइम। दोस्तों अब आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब ये प्रैक्टिस का टाइम है, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। देखो राइट CN फॉर कॉमन नाउन, अगर कोई कॉमन नाउन है तो आपको इधर CN भरना है, और अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो आपको PN भरना है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे आंसर लिख लो, और कोई चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से लिखना है, सबको लिखना है, आपको चेक करते हैं कि आपको कितना सही होता है, कितना समझ आता है। मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर लिख के रखो, चलते हैं फिर आगे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब इसके आंसर करते हैं। और उम्मीद है वीडियो, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए पॉज करके आंसर भर दीजिए, उम्मीद है आपने आंसर भर लिए होंगे, तो आइए जल्दी जल्दी भरते हैं। प्लेनेट क्या है भाई, कॉमन नाउन है, हम प्रो हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल कॉमन नाउन है, मोबाइल कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। सुभाष चंद्र बोस क्या है, एक आदमी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, अजय प्रॉपर नाउन है, महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, प्रियांशु प्रॉपर नाउन है, बर्गर कॉमन नाउन है, एनिमल कॉमन नाउन है, राहुल प्रॉपर नाउन है, फॉर्च्यूनर एक कार कंपनी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, कार कॉमन नाउन है, बुक कॉमन नाउन है, सफारी का एक बैग आता है कॉमन नाउन है, सफारी का एक बैग आता है तो सफारी कंपनी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, क्लासमेट की कॉपी आती है प्रॉपर नाउन है, डिस्कवरी की कॉपी आती है प्रॉपर नाउन है, फेबर कास्टेल का एक कॉपी आता है प्रॉपर नाउन है, राम प्रॉपर नाउन है, पराठा एक फूड का नाम है ये भी प्रॉपर नाउन है, मार्कर कॉमन नाउन है, रोहित प्रॉपर नाउन है, नेम कॉमन नाउन है, ठीक है, आपको सब समझ आ रहा है उम्मीद है। एलिफेंट एक एनिमल का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन है,
टाइगर भी एक एनिमल का नाम है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद लिखा है पंकज, एक आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। चपाती, तो अब हम जो रोटी खाते हैं ये प्रॉपर नाउन है। लायन प्रॉपर नाउन है। कॉपी कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी हो सकती है अलग अलग कंपनियां। जू कॉमन नाउन है। ठीक है, शिवम एक नाम है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। ग्लास कॉमन नाउन है। ग्लास कॉमन नाउन है क्योंकि कौन से कंपनी का नहीं बताया कि हिप्पन का ग्लास या फिर किसी और कंपनी का सनग्लासेस है। ठीक है, ये सोप है, ये कॉमन नाउन है। उसके बाद ये सचिन है, ये एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और लाइफ बॉय एक साबुन का नाम है। जो सोप है वो कॉमन नाउन है, और लाइफ बॉय एक स्पेसिफिक साबुन की कंपनी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो उम्मीद है दोस्तों, इतना मैंने जितना भी करा है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद है जितना आंसर करा है सारे के सारे सही होंगे। तो मजा रहना। तो अब जो बाकी के जो नाउन्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं और उनके भी एग्जाम्पल करते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई दोस्तों, आगे करते हैं। तीसरा पे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ने नाम ही से पकड़ लिया, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट, कोई चीज जब कलेक्ट हो रही कलेक्ट होके हो चुकी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। दे आर नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है इसका कोई ज्यादा खास रोल नहीं होता है। ये जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करने, ये किसी एनिमल, पीपल और थिंग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि हमें नाम ही से पता चल रहा है कि कोई एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वो चीज है और वो कलेक्ट हो रखी है एक जगह पे, तो हम लोग उसका हर चीज का एक एक ना कोई नाम ही लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी थिंग को, मतलब वो बहुत सारी चीजें एक जगह पे कलेक्ट होकर रखी है। जैसे अगर बहुत सारे ग्रेप्स एक जगह कलेक्ट हो गए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये बहुत सारे अगर ग्रेप्स एक साथ हो गए तो उसको बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। बहुत सारे प्लेयर एक साथ हो गए तो उसको टीम ऑफ प्लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे नाउन, कलेक्टिव नाउन उसे करते हैं, उसे कहते हैं वैसे नाउन जो किसी बहुत सारी चीजों को एक वर्ड से दिखा दे। जैसे देखिए, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जब बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, एक टीचर होगा या होगी तो वो पढ़ा रहा होगा या होगी, जब वो पढ़ा रहा होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे और सब भी बच्चे एक सेपरेट से रूम में पढ़ के उनकी बातें सुन रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। मतलब बहुत, ये देखो ये एक बहुत बड़ी क्लास है, यहाँ पे टीचर, ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, यहाँ पे बहुत सारे ये सारे डॉट डॉट बच्चे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर या फिर कोई भी शेप का चीज है और बहुत सारे बच्चे हैं करेक्ट और एक टीचर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, जब बहुत सारे बर्ड्स एक जगह पे हो जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और ए सीरीज ऑफ इवेंट, लगातार मान लीजिए आपके घर में कोई वेडिंग हो रही है। ठीक है, तो आज पहले क्या होता है, हल्दी होता है, फिर संगीत होता है, उसके बाद शादी होता है और फिर रिसेप्शन होता है। ठीक है, तो ए सीरीज ऑफ इवेंट मतलब बहुत सारे इवेंट, आज ये है, फिर आज हल्दी है, कल संगीत है, उसके बाद वेडिंग है, उसके बाद क्या कहते हैं रिसेप्शन है, तो ऐसे लगातार, मान लो आज है, फिर कल है, फिर परसों है, फिर उसके परसों के एक दिन बाद है। ठीक है, तो लाइन से बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, वेडिंग होने वाली है, तो सीरीज ऑफ इवेंट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है बंच ऑफ ग्रेप्स, जब बहुत सारे ग्रेप्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ग्रेप्स मतलब अंगूर मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा, मतलब ए बंच ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद अ टीम ऑफ प्लेयर, जब बहुत सारे प्लेयर मिल जाते हैं और वो साथ मिल के खेलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर। अ हर्ड ऑफ कैटल, जब बहुत सारे कैटल मिल जाते हैं, बहुत सारे कैटल एक झुंड में जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट डू वी कॉल कैटल कलेक्टिव नाउन। आपसे पूछ सकता है कि अगर बताओ ये कैटल का क्या होता है, तो कैटल का हर्ड होता है, प्लेयर की क्या होती है, टीम होती है, ग्रेप्स का क्या होता है, बंच होता है, इवेंट का क्या होता है, सीरीज होता है, बर्ड्स का क्या होता है, फ्लॉक होता है, और स्टूडेंट का क्या होता है, क्लास होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा हुआ है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या दिया गया है, इट इज समथिंग विच यू कांट सी टेस्ट हियर और टच। ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, इट इज समथिंग विच यू कांट सी, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, जिसको आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हो, जिसको आप सुन भी नहीं सकते हो और जिसको आप छू भी नहीं सकते हो। ऐसा क्या होता है? ऐसा तो भूत होता है, ठीक है, ये भूत नहीं है। ये क्या बोला जा रहा है, वो वैसी चीज जिसको ना आप देख सकते हो अपनी आंखों से, ना देख पाते हो, ये माइक्रो मतलब जो स्कोप होता है ना उसे देख पाते हो, ना अपनी नेकेड आई से देख पाते हो, ना आप उसको देख पाते हो, ना उसको टेस्ट कर पाते हो, ना उसको सुन पाते हो, ना उसको छू पाते हो, महसूस कर पाते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया लॉट, एंगर, हेटेड, जॉय, गॉड विल, डिजायर। एंगर को किसी ने देखा है, गुस्सा को देखा है किसी ने, गुस्सा को देखा है किसी ने, उसके बाल ऐसे खड़े रहते हैं, कोट पैंट पहनते रहते हैं, देखा क्या किसी ने? नहीं देखा है। गुस्सा को कभी टेस्ट किया क्या, बड़ा मीठा लगता है, खट्टा लगता है? नहीं टेस्ट किया है। किसी ने गुस्सा को सुना है क्या? नहीं किसी ने सुना है। किसी ने गुस्सा को टच किया, अरे यार बहुत स्मूथ स्किन है ना उसकी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ना हमने गुस्सा को ना देखा है, ना टेस्ट किया है, ना सुना है, ना छुआ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना ऐसी चीज, ना जिसको हम कभी देखते हैं, ना उसको टेस्ट कर पाते हैं, ना उसको सुन पाते हैं, ना उसको टच कर पाते हैं। एग्जाम्पल में हो गया लॉट, एंगर, हेटेड, जॉय, गॉड विल, डिजायर और ETC, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देयर आर द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस थिंग मेड अप ऑफ समथिंग। देखो ये क्या होता है, देयर आर नेम गिवन टू मटेरियल सब्सटेंस, ये एक नाम होता है किनको दिया जाता है, एक मटेरियल या फिर किसी सब्सटेंस को दिया जाता है, थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, वो ये किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंसेस, किसी थिंग को दिया जाता है जो कि किसी चीज से मिलकर बनती है। जैसे एयर हो गया, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है एयर। क्लॉथ हो गए, कपड़े हो गए, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, और ये ग्लास हो गया। मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी, द्रव्यवाचक संज्ञा शायद से इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तो अब हो गए थे, अब चलते हैं हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये आपने बचपन में बहुत पढ़े होंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अरे भाई हलवा है, एकदम आसान है, इससे आसान तो आजकल कुछ हो ही नहीं सकता। जिन नाउन को हम हाथों पे लेके गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हम लोग जिनको हाथों पे आप मतलब कहीं भी गिन सकते हैं, सीधे सीधे समझो, जिन नाम को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। नाम ही से पकड़ लिया, काउंटेबल नाउन, काउंट करने वाले नाउन, काउंटेबल, काउंटेबल, एबल हमारे दिए, देखो दो सबसे बना है, काउंट, दूसरा एबल, पहला है गिनती, गिनती और दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड का मतलब होता है सक्षम, गिनती सक्षम। गिनती सक्षम तो नहीं बोल सकते लेकिन गिनती करने में सक्षम हम जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी से उसकी हिंदी समझ आ गई, काउंटेबल मतलब गिनने में सक्षम, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जिन नाम को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। बढ़िया है। एग्जाम्पल हो गया एप्पल, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल, दूसरा चेयर, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, पेन, ठीक है, पेन हो गया, बहुत सारे पेन हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे पेन हो सकते हैं। उसके बाद हो गया नोटबुक, हो गया मार्कर, हो गया देखो, एक मार्कर, दो मार्कर, एक पेन, दो पेन, ठीक है, उसके बाद एक मार्कर, दो मार्कर, ठीक है, और नोटबुक हम लोग गिन सकते हैं कि एक नोटबुक, दो नोटबुक, तीन नोटबुक है। अब पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो इसमें भी लगा लेकिन काउंट के पहले अन लग गया। अन मतलब जिन नाउन, अब बढ़िया है, जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसे कैसे मान ले सर, हम नहीं मानते, जाओ हम नहीं मानते, मुझे गिनती आती है बढ़िया, 100, 1,000 तक आती है, आपको मानना पड़ेगा, बात मानना पड़ेगा, आप ट्राई करके देख लो।
आप मिल को गिन सकते हो, 1 मिल, 2 मिल, 3 मिल, ऐसे तो नहीं बोलते हो, एक एक केजी मिल्क, 2 केजी मिल्क, ठीक है, ऐसे बोलते हो। राइस, अब इतना सा बहुत छोटे छोटे होते हैं राइस, दिन भर बैठ के गिनोगे, 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, भाई जिंदगी खत्म हो जाएगी। वाटर, वाटर गिन सकते हो क्या? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, नहीं, वाटर के बूंद को आप लोग गिन सकते हो। शुगर, शुगर भी बहुत छोटी छोटी होती है, उनको गिन सकते हो, 1 शुगर, 2 शुगर, ऐसे करने चले, गिन नहीं सकते हो आप, बहुत टाइम लग जाएगा। सॉल्ट को भी नहीं गिन सकते। मनी, पैसे गिन सकते हो, आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे नहीं गिन सकते, मेरे पास इतने पैसे, 2000 का नोट निकाल के दिखा दिए, बोले दे 2000 का नोट है और 10 का नोट है, 2000 रुपये, 2000 और 10 रुपये हो गए। तो ऐसे आप नहीं गिन सकते हो, अपने पैसे तो गिन सकते हो, लेकिन इधर बात किया जा रहा है मनी के बारे में, आपके पैसों के बारे में नहीं। इस दुनिया में जितने लोग हैं उनके पास एग्जैक्ट 1-1 रुपया अगर गिन के बताना चले, हम लोग वो नहीं गिन पाते। नॉलेज, नॉलेज आप बचपन से हो गए, आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती होंगी, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी भी आती होगी, तेलुगु भी आती होगी, मराठी भी आती होगी, बहुत सारी लैंग्वेज होती होंगी, और आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आते होंगे, ठीक है, पढ़ने वाले वर्ड्स। तो अब हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में महारत हासिल हो चुकी है। आप कोई भी पूछेगा काउंटेबल, बेटा काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आप बोलोगे, आप आंख बंद करके बोलोगे कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और आप कोई बोलेगा कि उनके एग्जाम्पल दो, आप बोलोगे एप्पल, चेयर, पेन, ठीक है, एप्पल, चेयर, पेन, नोटबुक। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अब कोई पूछेगा अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आप बोलोगे जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, बोलेगा एग्जाम्पल, तो आप बता दोगे सुगर, मिल्क, वाटर, सॉल्ट, मनी, नॉलेज, ठीक है। तो अब जो स्कूल वाले बच्चे थे, इधर पढ़ने आए थे, वो जा सकते हैं यार आगे की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पे करने वाले हैं। अगर आगे की बात आपने पढ़ ली तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जो बच्चे हैं अब स्कूल के लिए पढ़ने आए थे वो अब निश्चिंत हो गए हैं भाई, उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि मैंने अभी इतने अच्छे से पढ़ाई की, पूरा कॉन्सेप्ट तो भाई आपका डगमगाया हुआ था, एकदम क्लियर हो गया है। अब देखते हैं, अब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लेवल की बात करते हैं। देखो अब जो है पॉइंट टू रिमेम्बर, ये बात थोड़े बहुत और बात बताऊंगा, अगर आप ये बात को, इस इन सारे बातों को ध्यान में रख के जाते हो तो आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो, इंग्लिश का सेक्शन खोलना, तो जितने भी नाम के क्वेश्चन होंगे आप बना के देखना, जरूर बनेंगे। तो आइए अगला, तो पॉइंट टू रिमेम्बर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता, ये गलत फहमी क्या हो? ये गलत फहमी बहुत लोगों को होती है कि एस लग गया मतलब प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि एस लग गया तो प्लूरल हो गया, लेकिन सारे केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 80% केस में होता है कि एस लगने से प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन 20% केस ऐसे होते हैं जिसमें एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कार हो गया, कार का हम लोग कार्स लिख सकते हैं, एस लग गया कार, एक कार थी, एस लगा कार्स हो गई, बहुत सारी कार्स हो गई। तो एस लगने का मतलब हमेशा प्लूरल नहीं होता है, एस लगने का मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स में एस लगा है, फिजिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारे एक फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट थोड़ी है, एक ही सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो फिजिक्स, फिजिक्स बहुत सारे फिजिक्स थोड़ी होते हैं, एक ही सब्जेक्ट है फिजिक्स। एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने में मिलता है सृष्टि में इकोनॉमिक्स, तो इसमें तो एस लगा रहता है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं होता है, एक ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी एस लगा रहता है, तो इसका मतलब एक, एक बहुत सारे पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स एक ही होती है, ठीक है। राजनीति, अब नेक्स्ट है न्यूज हो गया, एस इसमें भी लगा। मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, एथलेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, और ETC, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी इतना इसमें मैं लिख नहीं सकता, तो जितने हो सकते थे, जितने आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने करवा दिए। अगला पॉइंट है, कुछ नाम हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे होता है ना सिंगुलर प्लूरल, जैसे कार का कार्स बना दिया, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जो कार का कार्स बन गया तो वो कार ही रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ इस टाइप के भी नाउन होते हैं, जैसे
कॉन्ग्रेचुलेशंस हमेशा ये प्लुरल ही रहते हैं, कभी ये सिंगुलर नहीं होते। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन का सिंगुलर कभी आपने सुना है कि कोई बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन का सिंगुलर क्या होता है? ठीक है, ऐसा तो नहीं सुना है कभी। नेक्स्ट है केटल, उसके बाद है क्लोथ्स, रिमेन्स, स्पेक्टिकल्स, ब्रासेस, पीपल, चिल्ड्रन, प्लायर्स, हेडफोन, ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या ट्रूप्स भी ट्रूप्स होते हैं, हेडफोन्स हम लोग बोलते हैं, हेडफोन का सिंगुलर क्या होता है? ये हेडफोन्स है हमेशा हमेशा प्लूरल ही रहता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, आर्म्स हो गया, थैंक्स हो गया, हम लोग थैंक्स बोलते हैं ना। ठीक है, हम बोलते हैं अगर किसी ने भी हमारे कोई मदद की, मान लो हम कहीं किसी जगह नहीं गए, पढ़ने गए, हमें लिखना है, हमारे पेन की इंक खत्म हो गई, तो किसी ने हमें पेन दे के हेल्प किया ताकि हम लोग लिख पाए, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? थैंक्स या थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। गॉगल्स और सन ग्लासेस, अब आप इस सन ग्लासेस प्लूरल कैसे है बताऊं? देखो बना दे रहा हूँ, सस्ती सी ड्राइंग है, मजाक मत उड़ाना। ठीक है, ये सन ग्लास है, ठीक है समझ जाओ, ये सन ग्लास है, ठीक है, ये सन ग्लास बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें देखो ये दो है, एक अगर यहाँ बस एक होता तो एक से तो दिखता नहीं, एक में चश्मा लगा था और जो जिनको आंख से कम दिखाई देते, एक चश्मा लगा था, एक नहीं लगाते तो एक ही आंख से दिखता, तो थोड़ा दिखता, इसीलिए ये दो होते हैं, दो दोनों आंखों में पहनने के लिए होते हैं, इसीलिए इधर ग्लासेस लगाया जाता है और गोगल्स लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ड। देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हैं, जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते, ठीक है, जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते उनके साथ सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हो गया नॉलेज, नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन, आप उसको गिन सकते हो, एक नॉलेज, दो नॉलेज नहीं गिन सकते हो, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे नॉलेज हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, म्यूजिक हो गया, ट्रैफिक हो गया, इंफॉर्मेशन, हेयर और स्टेशनरी। तो चलिए ये तो थोड़े से थे, इसके आगे भी और पॉइंट टू रिमेम्बर है, चलिए उनको देखते हैं। तो आ गए हम लोग आगे, अब पॉइंट टू रिमेम्बर के आगे के देखते हैं क्या दिए गए हैं। कुछ नाम की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है, क्या दिया गया है, कुछ नाम की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। ठीक है, देखो कुछ नाम होती है उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, उनकी जो नेम है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, मतलब अगर हम लोग उनको सिंगुलर में करके लिखे तो भी वो वही रहेगी, और प्लूरल में करके लिखे तो भी वो वही रहेगी, मतलब दोनों ही कंडीशन में सेम रहती है। एग्जाम्पल में हो गए डियर, अगर डियर सिंगुलर है उसको प्लूरल में करेंगे भी तो डियर ही रहेगा, सिप सिप सिंगुलर है इसको प्लूरल में भी करेंगे तो सिप ही रहेगा, सीरीज सीरीज सिंगुलर है इसको प्लूरल में भी करेंगे तो सिप ही रहेगा, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिंगुलर है इसको प्लूरल में करेंगे तो भी एयर ही क्राफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेम्बर में, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी जाएगी अदरवाइज प्लूरल। देखो अगर जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ा रखा है, किसी भी चीज को, समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, जो बहुत, जैसे बंच ऑफ ग्रेप और टीम ऑफ प्लेयर और जूरी ऑफ जजेस, ठीक है, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन जो हमारा कलेक्टिव नाउन है अगर वो सिंगुलर सेंस देगी, मतलब सिंगुलर सेंस देगी तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर प्लूरल देगी तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे पहला हो गया द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस, ये जो टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये क्या सिंगुलर है, जो टीम है वो प्रैक्टिस, मतलब जो अगर क्रिकेट की टीम है तो बल्लेबाजी के लिए प्रैक्टिस कर रही है, मतलब पूरी टीम एक साथ मिलके कर रही है। ठीक है, तो द टीम इज, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आया ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आया ये क्या है, ये है हमारा, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है ये पूरे के लिए एक ही बात की जा रही है, इसीलिए ये आया है। और द नेक्स्ट वर्ड में दिया द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिली, इसमें जो पूरी टीम थी, जिस इसमें जो पूरी टीम थी वो एक साथ प्रैक्टिस कर रही थी, एक साथ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, सब साथ मिलके कर रहे थे। और दूसरे में द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिली, जो टीम है उनको अलाउ कर दिया गया
कि वो अपने क्या कहते हैं अपने अपने फैमिली के साथ खा सकते हैं, ठीक है, अपने अलग अलग। विराट कोहली उधर खा रहे हैं, एमएस धोनी उधर खा रहे हैं, ठीक है, और भी जितने क्रिकेटर हैं अलग अलग जगह खा रहे हैं अपने अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो देख सकते हो इधर ये जब जो पूरी कलेक्टिव नाम की बात हो रही थी तो इधर कोई और हेल्पिंग वर्ब आया, और जब पूरी की इधर बात हो रही थी अलग अलग करके तो इधर कोई और हेल्पिंग वर्ब आया। तो अब आपको कमेंट में बताना या कहूँगा कि इस सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और आप सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, ये आपका होमवर्क है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तीसरा दिया, द कमिटी हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट। जो कमिटी है, पूरी कमिटी मिलके, ठीक है, जितने भी कमिटी में लोग थे वो सब मिलके जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट कर देते हैं। किसी को सबमिट करना होगा तो पूरी कमिटी मिलके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और वही चौथे में दिया है, द कमिटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिली। जो पूरी कमिटी है, जो पूरी टीम है, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपने फैमिली से जाके मिल सकते हैं। इसमें जो पूरी कमिटी थी वो एक साथ पूरी झुंड लेके रिपोर्ट जमा करने गई थी, आपके सामने रिपोर्ट ऐसे जमा करने या फिर किसी के भी सामने ऐसे रिपोर्ट जमा करने गई थी। और इसमें है जो कमेटी है उनको अलाउ कर दिया गया, उनको छूट दे दी गई है कि अपने अपने जगह जा सकते हैं। एक बंदा ऐसे उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, ठीक है, जितने भी बंदे हैं वो अपने अपने जगह जाके अपने फैमिली से मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों नाम का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको नाम समझ आ गया होगा। हमने स्कूल के लेवल और कॉम्पिटेटिव लेवल दोनों की बात की है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस पार्ट ऑफ स्पीच नाम की सीरीज को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।